देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहाँ देखिए अभी ट्वेल्थ में पर्टिकुलरली ट्वेल्थ में पहला टॉपिक लिए हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन दैट इज चेन रूल, सेकंड लिए डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, बराबर है। थर्ड लिए हमने डेरिवेटिव्स ऑफ क्या है, थर्ड फंक्शन थर्ड फैक्टर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, देन बाद में फोर्थ लिए डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बराबर है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन इसके पहले भी हमने मैट्रिसेस में देखे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में इफ ए एंड बी आर एनी टू फंक्शंस, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू फंक्शंस, देन इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू वन, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू वन, देन बी इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए, बराबर है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो नाउ सी दी थ्योरम ऑन दिस टॉपिक, इफ वाई इज अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, इफ वाई इज अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ वाई एंड एक्स इज अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ वाई, then dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, provided this denominator factor is non-zero, or the same factor can also be written as dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, again provided this denominator factor is non-zero. Yahan dekhiye abhi, if y is a derivable function of x and x is a derivable function of y, if y is a derivable function of x, then dy by dx is equals. Here y is a function and x is variable. Similarly, if x is a derivable function of y, then dx by dy is equals. Now in this case x is a variable, x is a function and y is a variable, then dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, or dx by dy is equal to 1 upon what, dy by dx, provided denominator factor is non-zero. Aage khayal mein theek hai, uske baad hum dekhenge examples. Ha dekhiye bhi example, find dx by dy of the following functions. यहाँ हमारे को dx by dy निकालना है। पहला एग्जांपल देखो, y is equal to under root of x. Function in terms of y में दिया है, means y is the derivative function of x. Then in that case we get dy by dx, बराबर है। अब dx by dy निकालना है, तो formula use करेंगे, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, डिकेट द रिजल्ट। यहां देखिए सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, डीवाई बाय dx इज इक्वल टू, देयरफॉर डीवाई बाय dx इज इक्वल टू डीवाई dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x, and we know the derivative of under root of x, that is 1 upon 2 root x. Yeh ho gaya dy by dx. Therefore, by definition of inverse function, or simply, we write by definition, dx by dy is equal to, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. 1 upon dy by dx, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, नाउ dy by dx इज 1 अपॉन 2 root x, दिस इज 1 अपॉन 2 root x, 1 अपॉन 2 root x, ठीक है। अगर इसको सिंपलीफाई करें तो ये फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू
dx by dy is equal to dx by dy is equal to 2 into under root of x. This is what dx by dy. आगे चल लीजिए, सिंपल है ये फॉर्मूले के लिए एक मार्क, रिजल्ट के लिए एक मार्क, ये दो मार्क के लिए प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x। पहले फंक्शन को हम सिंपलीफाई करेंगे, पहला जो रेडिकल साइन है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इज इट क्लियर। अब वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, टेंथ तक हम सेंटेंस लिखते स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स देन बिगिन एंड सो ऑन। अब यहां ट्वेल्थ में सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे, वी हैव देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डिवाइड dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड dx ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x। नाउ सी द डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वेरिएबल रेज टू द पावर 2, दैट इज 2 टाइम्स वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x इज 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। अब यहां डिवाइड बाय dx का फैक्टर निकालेंगे, देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू ट्रांसफर दिस ट्वाइस y टू लेफ्ट हैंड साइड विच इज माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 2 दैट बिकम्स 4 y इनटू अंडर रूट ऑफ x, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4y इनटू अंडर रूट ऑफ x। अब जो भी हम डेरिवेटिव के फैक्टर निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल आना चाहिए, इसलिए यहां हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x, देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 4, पहले हम अंडर रूट ऑफ x का फैक्टर लिखेंगे, इनटू y, y is what? Under root of 1 minus under root of x, 1 minus under root of x, ये हो गया अपना डिवाइड बाय dx, ठीक है। बाद में फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूलेटिक पार्ट बाद में, ये वैल्यू हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर फाइंड डेफिनेशन, डेफिनेशन के लिए एक मार्क है, यानी फॉर्मूला पार्ट, फॉर्मुलेटिव पार्ट के लिए एक मार्क, बाय डेफिनेशन dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, 1 अपॉन dy बाय dx। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज dy बाय dx, 4 इनटू अंडर रूट ऑफ x, by definition here dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। अब dy by dx की वैल्यू पुट करेंगे हम, dy by dx is minus 1 upon 4 into under root of x minus 1 upon 4 into under root of x into under root of 1 minus under root of x, ठीक है। अब ये वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी, therefore this is minus 4 into under root of x into under root of 1 minus under root of x, ye ho gaya complete answer, that is x by dy, is it clear, agar chalna ha।
देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल y is equal to third root of under root third root of x minus 1. पहले जो फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे, now this is equal to x minus 2 raised to the power what 1/3. Is it clear? X minus 2 raised to the power 1/3. Then we differentiate this equation with respect to x. Differentiate this equation with respect to x. We get dy by dx is equal to dy by dx of x minus 2 raised to the power 1/3. देखो सभी इसमें हम पहले क्या निकाल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का फैक्टर निकाल रहे हैं, बाद में फिर फॉर्मूला पुट करके हम डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, बराबर है। अब देखो यहां दिस इज इक्वल टू विच इज ऑफ द टाइप वेरिएबल रेज़ टू द पावर n, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n दैट इज 1/3 इनटू x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 1 1/3 माइनस 1 कितना होगा, this is equal to minus 2/3, ठीक है, so this is 1/3 into x raised to the power x minus 2 raised to the power minus 2/3, ठीक है, अब इसका power negative है, therefore transfer this factor to denominator, therefore we get 1 upon 3 into x minus 2 raised to the power 2/3. ये हो गया अपना डी बाय बाय डी एक्स, बाद में हम फॉर्मूला पुट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन डी एक्स बाय डी बाय इज इक्वल टू 1 अपॉन डी बाय बाय डी एक्स। यहां डी बाय बाय डी एक्स की वैल्यू पुट करना है, देयरफॉर dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is 1 upon 3 into x minus 2 raised to the power 2/3, ठीक है, अब ये फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा, is equal to 3 into x minus 2 raised to the power 2/3. अगर ख्याल में देखो नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ इज y इज इक्वल टू log of ट्वाइस x माइनस 1, यहां भी dx by dy निकालना है, सो वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ y एंड हियर y इज log of twice x minus 1. अब इसका डेरिवेटिव देखो, log of वेरिएबल into डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू log of वेरिएबल इज 1 अपॉन twice x minus 1 1 अपॉन वेरिएबल into डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ twice x इज 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, देयरफॉर वी गेट 2 upon twice x minus 1, ये हो गया dy by dx. Then we put the formula by definition dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. अब यहां वैल्यू पुट करो, so this is equal to 1 upon what is dy by dx is 2 upon twice x minus 1 अब देखो सिंप्लीफाई नहीं किए तो भी चलता है, अगर समय है तो ही सिंप्लीफाई करने का, अब ये फैक्टर डिनोमिनेटर फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा, so this is twice x minus 1 upon 2, ये हो गया अपना dx by dy is equal to twice x minus 1 upon 2, ठीक है।
देखिए फिफ्थ एग्जांपल y is equal to y6 plus. अब ये एग्जांपल इजी है, इस तरह के एग्जांपल्स एमसीक्यूज में या एक मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं. y is equal to y6 plus 3, find dx by dy. ठीक है, आगे चल मैं. अब यहां देखो, we differentiate this equation with respect to x, begin dy by dx is equal to d by dx of y, and here y is y6 plus 3. Now derivative of first function, derivative of y6 is 2 and derivative of constant is 0. So therefore dy by dx is equal to, okay, then we write the formality part. By definition dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. 1 upon dy by dx. अब इसमें वैल्यू पुट करना, dy by dx is 2, therefore dx by dy is equal to what? 1 upon. आगे फिर मैं ये हो गया फिफ्थ एग्जांपल. Then see the next example, 6-1. y is equal to e raised to the power x minus 3. ये भी एग्जांपल इजी है, ये एक मार्क के लिए तो या तो फिर दो मार्क के लिए एमसीक्यूज में आ सकते. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx is equal to d by dx of e raised to the power x minus 3. Now derivative of e raised to the power x is same as e raised to the power x, and derivative of constant is 0. Therefore dy by dx is equal to what? E raised to the power x. Part by formality part, therefore by definition dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. 1 upon dy by dx is my value put karo. So therefore this is equal to 1 upon dy by dx is e raised to the power x. So this is 1 upon e raised to the power x. Okay? Y is equal to e raised to the power twice x minus e raised to the power y6 minus 3. Again we differentiate this equation with respect to x, therefore dy by dx is equal to d by dx of e raised to the power y6 minus 3, which is of the type e raised to the power variable, and derivative of e raised to the power variable is same as e raised to the power variable into derivative of this variable. Derivative of twice x is 2 and derivative of constant is 0. Therefore we get 2 into e raised to the power twice x minus. ये हो गया अपना dy by dx. बाद में dx by dy निकालना. So by definition direct dx by dy नहीं निकालने का, पहले formula लिखने का, क्योंकि उसके लिए एक मार्ग है. ठीक है, बाद में फिर हम वैल्यू पुट करेंगे dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. 1 upon d dy by dx. Therefore dx by dy is equal to 1 upon, what is dy by dx? This is 2 into e raised to the power twice x minus. You get complete. ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, y is equal to x square into e raised to the power x. Now it is a product of two functions. So while finding the derivative of this function, we apply what? Product rule. Therefore, dy by dx is equal to d by dx of x square into e raised to the power x. Now here we apply product rule.
first function x square into derivative of second. Derivative of e raised to the power x is same as e raised to the power x plus second function e raised to the power x into derivative of x square. Derivative of x square is what? Y6. Or if we take out e raised to the power x power, then here we get e raised to the power x, sorry, x square plus y6. या फिर से हम यहां से x कॉमन निकाल सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन बाद में फिर से नहीं किए तो भी चलता है. Therefore, by definition, dy by yes dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. 1 upon dy by dx. इसमें वैल्यू पुट करो. Therefore, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is e raised to the power x into x square plus 5/6. X square plus 5/6. ये हो गया अपना dx by dy. आगे करना है. देखिए. Next example. y is equal to x square plus log x. Y is equal to x square plus log x. Now again we differentiate this equation with respect to x. यहाँ function देखो किसमें दिया है, y square में दिया है, बराबर है. So we differentiate this equation with respect to x. We get d by dx of y square is equal to d by dx of right hand side, that is x square plus log x. X square plus log x. Now derivative of y square with respect to x is twice y into dy by dx. Twice y into dy by dx is equal to derivative of x square is twice x plus derivative of log x is 1 upon x. ठीक है. या फिर इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये ट्वाइस वाई का फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू यहां क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. अब देखो यहां फ्रॉम दिस इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू ट्रांसफर दिस ट्वाइस वाई टू राइट हैंड साइड वी गेट 2x square plus 1 upon twice x into 1. Twice y का factor denominator भी आ गया. उसके बाद यहां y की value put करना है. y is what? y is from this equation y square is equal to x square plus log x. Therefore y is equal to under root of this right hand side. Therefore dy by dx is equal to 2x square plus 1 2x square plus 1 upon twice x into under root of x square plus log x. X square plus log x. ये हो गया था dy by dx. बाद में dx by dy करना है. Therefore, by definition, therefore, by definition, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. 1 upon dy by dx. अब बाद में डायरेक्टली वैल्यू पुट किए तो भी चलता है. ये फैक्टर dy by dx फैक्टर डिनोमिनेटर में, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई किए वैल्यू अगर पुट किए तो डिनोमिनेटर फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर फैक्टर denominator to therefore this is twice x into under root of x square plus log x. X square plus log x upon denominator is 2x square plus log x. ठीक है. ये हो गया complete dx by dy. हाँ देखिए अभी take the example.
y is equal to x into log x. Again, it is a product of two functions. So, while finding the derivative of this function, we apply what? Product rule. Therefore, dy by dx is equal to d by dx of x into log x. D by dx of x into log x. Now, here we apply product rule. First function into derivative of second. Derivative of log x is 1 upon x plus second function, that is log x, into derivative of first. Derivative of x is 1. Now, this will simplify for this x gets cancelled with this x. Given it is what? 1 plus second factor, that is log x. You get dy by dx. Then we apply the definition. By definition, हर प्रॉब्लम में ये फॉर्मेलिटी पार्ट आना चाहिए. बाय डेफिनेशन डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स. बाद में वैल्यू पुट करो, ठीक है. यहां देखो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है. दिस इज डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स इज वन प्लस लॉग एक्स. दिस इज वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है. ये हो गया अपना डी एक्स बाय, ठीक है. अब y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2. दिस इज अगेन वेरी सिंपल एग्जांपल. y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2. सीधा सीधा एग्जांपल है. यहां dy by dx निकालेंगे. dy by dx इज इक्वल टू d by dx of x cube plus x minus 2. Now this is equal. Derivative of x cube is 3x square plus derivative of x is 1 and derivative of constant is 0. Therefore, derivative of this function is what? 3x square plus 1. Then we write the formula by definition. By definition, dx by dy, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, 1 upon dy by dx, and therefore, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx value put karo 3x square plus 1. Ye ho gaya apna dx by dy. ठीक है. हाँ, एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. डिमांड इज डिनोटेड बाय एक्स ऑफ ए कॉमोडिटी. विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इट इज डिनोटेड बाय वाई. यानी क्या निकालना है आपको? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज गिवन बाय dx बाय dy. दैट इज टू फाइंड हियर dx बाय dy. आगे चल में सी अगेन. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड दैट इज x ऑफ ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस दैट इज y. दैट इज to find dx by dy. अब यहां पहला एग्जांपल देखो. y is equal to 20 plus 15x plus x square. ये इजी एग्जांपल है. dy by dx निकाल लेगा. बाद में फॉर्मेलिटी पार्ट उसमें वैल्यूज पुट करने की. we get what? dx by dy. So, ये पहला एग्जांपल आप घर में सॉल्व करो. this is homework. अब सेकंड एग्जांपल देखो. y इज इक्वल टू 5 प्लस x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस व्हाट y x, ठीक है. अब देखो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू dy by dx ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज 5 प्लस x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस x plus y6. Now this is equal to derivative of constant is 0.
then here it is a product of two functions. So here we apply product rule, first function into derivative of second. आप देखो second का derivative यहाँ function है e raised to the power minus x, which is of the type e raised to the power variable into derivative of this thing. Now derivative of e raised to the power variable is same as e raised to the power variable into derivative of this variable. Derivative of minus x is minus 1 plus second function e raised to the power minus x into derivative of x square. Derivative of x square is twice x. Then plus derivative of twice x. Derivative of twice x is 2. ठीक है, अब यहां ये पहला फैक्टर हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x square into e raised to the power minus x. Then plus second factor is twice x into e raised to the power minus x. And then third factor is plus. ये हो गया अपना dy by dx. ठीक है, बाद में फॉर्मुलेटिक पार्ट. Therefore, by definition, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. अब इसमें वैल्यू सूत्र है. Therefore, dx by dy is equal to 1 upon, just putting the value of dy by dx. dy by dx is minus x square into e raised to the power minus x. Then plus twice x into e raised to the power minus x. Then plus last factor is c. ठीक है, ये हो गया dx by dy. हाँ, देखिए अभी थर्ड एग्जांपल. y is equal to 18x plus log of x minus. This example is also easy. इसके पहले हमने इस तरह के example solve किए हैं. Then fourth example देखो, y is equal to 25x plus log of 1 plus x square. ये भी example easy है. ये दोनों examples आपने घर में solve कर दिए. ठीक है, उसके बाद देखिए next example, y is equal to 3x plus 7 upon 2x square plus 5. अब यहां फंक्शन कोशेंट में दिया है, सो हियर वी अप्लाई कोशेंट रूल. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 3x plus 7 upon 2x square plus 5. यहां कोशेंट रूल अप्लाई करो. Denominator that is 2x square plus 5 into derivative of numerator into d by dx of 3x plus 7 denominator into derivative of numerator minus numerator that is 3x plus 7 into derivative of denominator into d by dx of denominator is 2x square plus 5 2x square plus 5 upon denominator square upon denominator square that is 2x square plus 5 raised to the power 2. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो. दिस इज 2x square plus 5 into derivative of 3x that is 3 and derivative of 7 is 0. So derivative of 3x plus 7 is 3 minus 3x plus 7 into derivative of 2x square plus 5. Derivative of x square is twice x into 2 that becomes 4x. And derivative of constant is 0 upon
denominator is 2x square plus 5 whole square. 2x square plus 5 whole square. ठीक है, अब ये functions simplify. ठीक है, हम numerator को simplify करें. यहां देखिए, numerator is, हाँ, अब 3 से multiply करो, so we get 6x square plus 15 minus 4x into 3x, that is minus 12x square. Then minus 4x into 7, that is minus 28x upon denominator is 2x square plus 5 whole square. 2x square plus 5 whole square. Then collecting the similar terms, 6x square minus 12x square, that becomes minus 6x square, then minus 28x plus 15 upon denominator is 2x square plus 5 whole square. ठीक है, ये हो गया अपना डिवाइड बाय dx. बाद में फॉर्मेलिटी पार्ट, ये फॉर्मेलिटी पार्ट आपने लिख लिया. ठीक है, डायरेक्ट मैं रीजन लिखता हूं, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा रिजल्ट, 1 अपॉन दिस फैक्टर, यानी डिनोमिनेटर फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर फैक्टर डिनोमिनेटर में से भी 2x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इज माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28x, माइनस 28x, 28x प्लस और 15 हो गया कंप्लीट आंसर. ठीक है, हाँ देखिए अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द मार्जिनल डिमांड, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी वेयर डिमांड इज x, डिमांड इज x एंड प्राइस इज y. यहां देखिए फिर से, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी where demand is x and price is y. अब यहाँ formula देखो, marginal demand is denoted by dd by dp, that is dp of d, that is rate of change of demand with respect to price. Now demand is denoted by x and price is denoted by y. Therefore, marginal demand is equal to what dx by dy. Is it clear? घुमा फिरा के हमारे को निकालना क्या है, dx by dy निकालना है. यहाँ देखो function वही रहेगा, y is equal to, यहाँ देखो x into e raised to the power minus x plus 7. इस तरह का example लिया है हमने इसके पहले. दूसरा देखो, y is equal to 5x plus 9 upon 2x minus 10. 2x minus 10. ये भी क्वेश्चन ढूंढ के भी एग्जांपल देखे हमने. अब ये पहले दो एग्जांपल्स आपने घर में सॉल्व करने की, देखो जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो कॉपी में लिखने के, जो भी होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपने सॉल्व करने का. ठीक है, ये एक्चुअली जितना भी हम पढ़ा रहे यहां ये पूरा रिपीट नहीं होगा, पूरे के पूरे चैप्टर्स ऑफलाइन में जब आओगे आप पूरे चैप्टर्स रिपीट नहीं होंगे. आगे ख्याल में एक एक दो दो दिन आपकी डिफिकल्टी जो है वो हम सॉल्व करके देंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं होगा. इसलिए जितना भी जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जितने भी वीडियोस आपको आपके पास आ रहे हैं, वो सब वीडियोस सब लेक्चर्स आपने कॉपी पे लिखना है. जितने भी होमवर्क मिलेंगे आपको वो होमवर्क आपने सॉल्व करना है, सीरियसली सॉल्व करना है. ठीक है, और जो डाउट्स है वो डाउट्स हम बाद में ऑफलाइन में क्लियर करेंगे. ठीक है, ऑफलाइन में बहुत सारी बातें हैं, क्वेश्चन पैटर्न, उसके बाद पेपर्स, जो भी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज हम बाद में लेंगे. ठीक है, अब देखो इसमें ये थर्ड एग्जाम्पल,
y is equal to x plus 2 upon x square plus 1. Again, this is the quotient. Okay? Then, we differentiate this equation with respect to x. Therefore, dy by dx is equal to d by dx of x plus 2 upon x square plus 1. Now here we apply quotient rule. Therefore, dy by dx is equal to denominator, that is x square plus 1, into derivative of numerator. Derivative of x is 1 and derivative of 2 is 0. Therefore, derivative of x is 1 minus numerator x plus 2 into derivative of denominator. Derivative of x square is 5x and derivative of 1 is 0 upon denominator square upon x square plus 1 raised to the power. अब हम numerator को simplify करें. This is equal to 1 into x square plus 1, that is x square plus 1, then minus twice x into x, that becomes minus twice x square, then minus 5x into 2, that is minus 4x, upon denominator is x square plus 1 raised to the power. Again here we collecting the similar factors. This is equal to x square minus 2x square, that is minus x square, minus 4x plus 1, upon denominator is x square plus 1 whole square. Ye ho gaya dy by dx. निकालना आपने को dx by dy. ये formality part आपने लिख लेने का. ठीक है, by definition dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Therefore, dx by dy is equal to 1 upon this factor, 1 upon dy by dx. अब ये फैक्टर डिनोमिनेटर फैक्टर न्यूमरेटर में जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इज माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स. ठीक है, अब एक ये चैप्टर में इसके आगे का एक लास्ट टॉपिक बचा है, डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव्स. जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसको फिर से हमारे को डिफरेंशिएट करना है, वी गेट हायर डेरिवेटिव्स. इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू.